I am in relation since past 3 years. We love each other, at least I do. But he was always possessive since the beginning. Initially, I used to like it, but now it has started bothering me. I get irritated due to this and we fight over this every other day. Hello everyone and welcome back to the third episode of Hey Sakhi, जहाँ हम बात करते हैं ऐसी सारी बातों के बारे में जिसका आंसर आपको गूगल या चैट जीपीटी भी नहीं दे पा रहा। ऑल राइट, सो विदाउट मच अडू आज शुरू करते हैं हमारे नए पोस्ट के साथ। आई एम इन रिलेशन सिंस पास्ट 3 years. वी लव ईच अदर, एटलीस्ट आई डू, बट ही वॉज ऑलवेज पॉजिटिव सिंस द बिगनिंग. इनिशियली आई यूज टू लाइक इट, बट नाउ इट हैज स्टार्टेड बॉदरिंग मी. I get irritated due to this and we fight over this every other day. He would check my mobile and even get irritated when I talk to any of the guy friends. I am confused and I don't know what is to be done. हमारी एक सखी है जो कि परेशान है क्योंकि उनके जो बॉयफ्रेंड है वो थोड़े ज़्यादा ओवर पोसेसिव है. इनिशियली उन्हें ये सारी बातें बहुत अच्छी लगती थी, बट आफ्टर 3 years ऑफ बीइंग इन रिलेशन शी इज़ getting bothered by this और वो सोच रही है कि क्या चीज़ें सही जा रही है कि नहीं. आई थिंक ये नॉर्मल है कि इनिशियली यू नो यू लाइक दैट अटेंशन, यू लाइक दैट पोजेसिवनेस, बट जैसे जैसे आप रिलेशन में स्टेबल होते जाओगे आपको लगेगा कि यू नो द थिंग्स शुड ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग नॉर्मलाइज्ड. आपका ट्रस्ट इन बिल्ड होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, वो ट्रस्ट एनहेंस होना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो अगर वो अभी भी नहीं हो रहा है, To me, I would say that is a little red flag for you, and good that you gauged it at the right time. With that, I also respect a relation. आपने 3 years दिए हैं, आपने 3 years invest किए हैं in the relation. So इसको एक और chance देते हैं, एक और benefit of doubt देते हैं. With this, I would recommend to go and talk to him. ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक कम्युनिकेशन अगर अच्छा रहा तो दुनिया की बहुत बड़ी 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 प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. तो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, और मे बी जस्ट शेयर योर पर्सपेक्टिव कि अब मुझे ये चीज़ें बॉदर कर रही है कि आप मेरा मोबाइल चेक कर रहे हो, आप मैं किसी लड़के से बात कर रही हूँ आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है. सो स्टार्ट विद अ बेसिक कम्युनिकेशन एंड ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट यू नो इट हैज़ बीन 3 years, आई एक्सपेक्टेड द ट्रस्ट टू गेट बिल्ट, और आपको कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है. गिव हिम 1, 2, 3 एग्जाम्पल्स एंड गिव हिम सम टाइम टू एब्जॉर्ब एज वेल एंड जस्ट चेक इफ यू नो दैट हेल्प्स हिम अंडरस्टैंड, दैट हेल्प्स कि वो चेंज हो रहे हैं क्या, उनके ये सारी बातें सुनने के बाद क्या उनके नेचर में कोई बदलाव आ रहा है. अगर कोई जेन्युइन बंदा होगा, आई वुड से ही विल टेक इट एज अ पॉजिटिव यू नो रिकमेंडेशन और फीडबैक आई वुड से, और ही विल ट्राई टू चेंज इट, बिकॉज आप एज अ पार्टनर आपको उनकी कुछ हरकतें अच्छी नहीं लग रही है. तो एक बार ट्राई करें, बात करें, बातों से इसको सुलझाने का ट्राई करें, हो जाना चाहिए, दैट लीस्ट आई विश फॉर. बट अगर नहीं होता है तो डू कंसिडर दिस एज अ रेड फ्लैग, बिकॉज इट बिकम्स अ लिटल डिफिकल्ट वेन ऑल दीज थिंग्स आर कैरिड आउट फॉर योर लाइफ. बिकॉज वॉट आई अंडरस्टैंड दैट इज योर बॉयफ्रेंड एंड ऑफकोर्स इन फ्यूचर इफ यू आर प्लानिंग टू बी विथ हिम एंड गेट मैरिड, तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना, लाइक देखो लाइफ में आप काम करोगे, जॉब करोगे, बाहर जाओगे, लोगों से मिलोगे, लड़कों से भी बात करोगे, तो वो ना ट्रस्ट आना बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो जो अगर आपको जो बात अभी अच्छी नहीं लग रही है, इमेजिन अगर वो आपको पूरी लाइफ आपको ऐसे रहना पड़ा, तो वो आपके लिए विल बी अ बिगर प्रॉब्लम लेटर. तो जस्ट कंसीडर दिस एज अ रेड फ्लैग. दो आई अगेन से, गिव हिम सम टाइम, गिव हिम अ चांस, बट डू कंसीडर दिस एज अ रेड फ्लैग एंड डू कंसीडर कि आपको ऐसे ही रह सकते हो क्या आप इस बिहेवियर के साथ फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. इफ your heart answers that as yes, ठीक है possessive तो है, I can manage, go ahead with it, but if not, if it is starting to bother you from now, then do think of this relation once again.
जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन एंड आई एम श्योर टू ऑल द व्यूअर्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम श्योर आपके साथ भी आपके नेबर्स फ्रेंड्स में ऐसी बातें होती होगी और यू वुड हैव सम पर्सनल एक्सपीरियंस टू शेयर विद अवर सखी. तो फील फ्री कि कमेंट्स में जाओ, अपने ओपिनियंस शेयर करो, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो और अपनी सखी के साथ हिम्मत बांटो, प्यार बांटो, बिकॉज ये सारी वैसी बातें हैं जो यू नो हम यूजुअली ओपनली बात नहीं कर सकते किसी और के साथ. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए, बिकॉज दैट टेल्स अस कि हम जो काम कर रहे हैं वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, हमें बहुत मोटिवेशन देता है, बहुत प्रेरणा देता है, तो एक लाइक तो बनता है. इसी के साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो अभी जाके सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़, ऐसे इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशंस हम लाते रहेंगे आपके लिए. इसी के साथ आई कंक्लूड टुडेज एपिसोड ऑफ हे सखी, और मैं मिलूंगी आपको बहुत जल्द. बाय बाय.